आज हम हाथी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हफ्ता 12 अगस्त को हाथियों का आलमी दिन है और जमीन के सबसे बड़े जमीनी जानवर के बारे में जानने के लिए इससे बेहतर कोई और वक्त नहीं है। ये शानदार जानवर हिसास, जज्बाती और इंतहाई जहीन होते हैं, लेकिन हाथियों की नस्लें भी खतरे से दोचार हैं और अगर इनकी मदद के लिए इकदाम ना किए गए तो वो अगली दहाई के आखिर तक मादूम हो सकते हैं। यहाँ हाथी के कुछ दिलचस्प हकायक हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी ममालिया है। औसतन बालिग मर्दों का वजन 18,000 पाउंड है। मादा हाथी छोटे होते हैं, उनका वजन 8,000 पाउंड तक होता है। अफ्रीकी हाथी तकरीबन 10 फुट लंबे होते हैं। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथियों से कदरे छोटे होते हैं, 9 फुट लंबे और 13,000 पाउंड वजनी होते हैं। अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा हाथी 13 फुट लंबा और 24,000 पाउंड वजनी था। नर हाथी सिर्फ 35 से 40 साल की उम्र में अपने पूरे साइज तक पहुंच जाते हैं। हाथी 60 से 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बालिग हाथी रोजाना तकरीबन 220 पाउंड खाना खाते हैं। बालिग हाथी रोजाना 50 गैलन पानी इस्तेमाल करते हैं। हाथी मौसम और उनकी रिहाइश के लिहाज से घास, पत्ते, झाड़ियाँ, फल, जड़ें, टहनियाँ, शाखें और दरख्त की छाल खाते हैं। एक हाथी हर हफ्ते 1 टन गोबर बनाता है। हाथी का गोबर माहौल के लिए बहुत अच्छा है। ये मिट्टी को जरखेज रखता है और दरख्तों के बीजों को फैलाने में मदद करता है। हाथी के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। हाथियों की 3 मुख्तलिफ इकसाम हैं, अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी जंगलाती हाथी और एशियाई हाथी। अफ्रीकी सवाना हाथी को अफ्रीकी बुश हाथी के नाम से भी जाना जाता है। आप हाथियों की 3 इकसाम को उनके बड़े कानों से अलग कर सकते हैं। हाथी अपने कानों को बड़े पंखे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जिस्म से ज्यादा गर्मी को खारिज कर सके। हाथी वो वाहिद जानवर है जिसकी लंबी सूंड होती है। हाथी अपनी लंबी सूंडों को पीने के लिए पानी चूसने, अपने खाने को सूंघने, खाने के लिए अपने मुंह तक उठाने, नहाने, चीजों को उठाने या छूने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को सलाम भी करते हैं। हाथी के दांत दरअसल बड़े दांत होते हैं। इनके दांत पहली बार उस वक्त जाहिर होते हैं जब हाथी 2 साल का होता है। हाथी के दांत बढ़ना कभी नहीं रुकते, ये उनकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। हाथी के दांत दरख्तों की छाल हासिल करने, जड़ें खोदने और लड़ते वक्त अपना दफा करने में उनकी मदद करते हैं। हाथी की खाल 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, ये तकरीबन 1 इंच है। इनकी जिल्द में तह और झुर्रियां बहुत सारे पानी को बरकरार रख सकती हैं, जो उन्हें ठंडा करने में मदद देती हैं। हाथी एक दिन में 80 मील तक बहुत लंबी दूरी तक चल सकते हैं। हाथी बगैर रुके कई घंटों तक गहरे पानी में तैर सकते हैं। तैराकी करते वक्त वो अपने तनों को स्नॉर्कल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपने पैरों से बात कर सकते हैं
वो जमीन में थरथराहट के जरिए बातचीत करते हैं, जो हवा के जरिए आवाज से ज्यादा तेजी से सफर करती है। हाथियों का दिमाग किसी भी जमीनी जानवर से बड़ा होता है। हाथियों की याददाश्त नाकाबले यकीन होती है। उनका आरजी लोब यानी याददाश्त से वाबस्ता दिमाग का हिस्सा दर हकीकत इंसानों से बड़ा और घना होता है। जैसा कि वो कहते हैं, हाथी कभी नहीं भूलता। हाथी चींटियों से नफरत करते हैं, वो उनसे मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं, क्योंकि चींटियां आसानी से उनकी सूंड में दाखिल हो सकती हैं और उनके हिसास असाबी सिरों को परेशान कर सकती हैं। आम ख्याल के बरक्स हाथी दरअसल मूंगफली को ज्यादा पसंद नहीं करते। आजकल 415,000 जंगली अफ्रीकी हाथी और 45,000 एशियाई हाथी जिंदा हैं। पिछली 3 नस्लों में एशियाई हाथियों में भी तकरीबन निस्फ कमी आई है। हम लोग हाथी के दांत वाली एशिया ना खरीद कर और हाथियों की मदद करने वाली तंजीम को अतिया देकर वर्ल्ड वाइड लाइफ फाउंडेशन के जरिए हाथी को गोद लेकर हाथियों की मदद कर सकते हैं और अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं।